यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशी दे, सदा सुखी रखे प्रभु। हर व्यक्ति की कुंडली ग्रहों से प्रभावित होती है। कुंडली में ग्रह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अगर कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो जातक को लाभ मिलता है, वहीं कुंडली में किसी ग्रह के कमजोर होने से उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसी क्रम में आज हम कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल भी। अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। गुरुदेव, चंद्रमा का कमजोर होना सबसे पहले माँ के जीवन को ये खराब करता है, यानी कि माँ को उस बच्चे के पिता द्वारा दी हुई तकलीफें झेलने को मिल सकती हैं। माँ के ससुराल परिवार यानी कि बच्चे के दाद के उनकी तरफ से दी हुई तकलीफ़ें मिलेंगी। रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए अभाव होगा, कोई अपना बड़ा हो या किसी और के सहारे जीवन व्यतीत होने लगेगा। माँ को बार बार अपना जीवन चलाने के लिए किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज़ करने पड़े, सिचुएशनों को अपने खिलाफ पा करके और सहक सहक के जीवन अगर जीने वाले हालात बने और घर में कलेश का वातावरण लगातार रहे तो इंसान को समझना चाहिए कि उसका चंद्रमा खराब है। और इसके साथ ही जिन प्रॉपर्टियों पे अपना हक बनता है वो किसी भी दबाव के अंदर छोड़नी पड़े या बेकार हो जाए या बिक जाए तो समझ लेना चाहिए चंद्रमा खराब है। बच्चा बहुत ज़्यादा सोच विचार वाला हो, छोटी उम्र से ही सोच विचार वाला हो लेकिन पढ़ाई को पूरा ना कर पा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा खराब है। और इसी चंद्रमा को खराब को अच्छा करने के लिए ही भोलेनाथ की पूजा का विधान बना है। जो सुबह के वक्त में हम जल लेते हैं और जाकर के जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं कच्ची लस्सी बना करके, सबसे उत्तम ये उपाय है। और इसके साथ में देसी घी का दीपक मंदिर के अंदर जलाना सबसे उत्तम है। और जिनका चंद्रमा खराब हो उनके जीवन में अगर हो सके तो पहली अवस्था यानी कि 35 साल की उम्र तक अगर ऐसे लोग हर रोज थोड़े से चावल और थोड़ी सी कूजा मिश्री यानी कि धागे वाली मिश्री लेकर के मंदिर में देते रहेंगे तो इन सारी मुसीबतों से भी बचाव रहेगा, जीवन स्मूथ होगा, माँ सुख पाएगी और बच्चा भी सुख पाएगा। तो चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जा सकता है इसके बारे में गुरुदेव से आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशि फल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वालों का आज भाग्य पूर्णतः साथ देगा। आप अगर अपने परिवार के साथ खुशी मनाना चाहते हो वो भी शुभ है, काम पे जाकर के काम को सार्थक करना चाहते हो वो भी आपके लिए उत्तम है, कहीं से पेमेंट लेने जाना चाहते हो, रुका काम बनाना चाहते हो, हर तरह से किस्मत आपका साथ देने वाली है। शर्त एक कि मंदिर जाकर परमात्मा के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए एक ही खुशखबरी है कि अगर कोई कानूनी मामले चल रहे हैं, लिखत पढ़त कुछ चल रही है तो उसकी तरफ से जीतना या खुशखबरी प्राप्त करना ये आपके भाग्य में आज हो सकता है। लेकिन बाकी का दिन स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य की खराबी, घर वालों के साथ कलेश या बाहर किसी के साथ में मन मुटाव होना, ये सबका दिन है। हो सके तो सुबह सवेरे कुत्ते और कौओं को कुछ खिला करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो इस बुराई से बचाव भी हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज परिवार के किसी सदस्य को भी स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आ सकती है और वैसे भी मन भटकाव पे रहेगा, गुस्से चिड़चिड़ेपन पे रहेगा जिसके कारण दिन की खराबी सामने आएगी। और अपने पे आज के दिन थोड़ा कंट्रोल करके चलना और किसी से भी वाद विवाद ना करना और सुबह सवेरे गाय को रोटी दे करके तब दिन की शुरुआत करना आपको अच्छा दिन प्रदान करेगा। आगे की राशि वाले थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द ही आपके दिन का पूरा हाल भी गुरुदेव आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम अपने विषय पर वापस आते हैं।
गुरुदेव, आपसे हमेशा हमने सुना है कि आपने कहा है कि चांदी की डिब्बी का प्रयोग करने के लिए आप कहते हैं कि चांदी का डिब्बी पास में रखना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चांदी का कोई प्रयोग किया जाए तो वो कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए? जब भी चंद्रमा कुछ खराब पोजिशन में होता है, इंसान डबल माइंडेड होता है, कन्फ्यूजन में पड़ता है, और ये जो कन्फ्यूज़न है यही अपने कॉन्फिडेंस को भी डाउन करता है, और ऐसी अवस्था के अंदर सामने वाले को सुपर समझना और अपने आप को कम समझना ये चंद्रमा की खराबी का प्रतीक बनता है। और चंद्रमा के लिए उसको मजबूत करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए आपको दो प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे। एक वो जो आपके ऑरा मंडल के अंदर चंद्रमा की एनर्जी को मजबूत करे, वो चांदी की डिब्बी लेकर के उसके अंदर माँ से, दादी से, नानी से चावल भरवा करके अगर उसको जेब में रखते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है। लेकिन उसको और मजबूत अगर करना है और ये आप चाहते हैं कि दूसरे ग्रहों का प्रभाव इस पर ना रहे और आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन को जिएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो एक चांदी की थाली लेकर के उसमें गंगा जल भरिए और उसे अलमारी में रखिए, क्योंकि आदमी दिन के अंदर 3-4 बार अलमारी तो खोलता ही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अलमारी के अंदर जब थाली के अंदर गंगा जल आप रखेंगे, जब भी अलमारी आप खोलेंगे तो वहाँ पर वो जो गर्मी के कारण वाष्प हुआ जल है, गंगा जल, वो आपके नथनों के द्वारा अंदर जा कर के आपको सुदृढ़ बनाएगा। तो ये दो प्रयोग आपके कॉन्फिडेंस को, आपको अपने पे विश्वास के लिए और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ये दो उपाय बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है आज के दिन। स्वास्थ्य को लेकर और स्वभाव को लेकर के कुछ सही सा नहीं लगेगा, लेकिन जो आप कार्य करेंगे उनमें आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो ये खट्टा मीठा सा दिन है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, कुछ भी बहुत बुरा नहीं होने वाला। आज के दिन माता के पांव छू करके आशीर्वाद लें और माता से थोड़े से चावल लेकर के अपनी जेब में रखें तो दिन शुभता की ओर जाएगा। सिंह राशि वाले को आज अपने खानदान में बहुत गहरे जानकारों में किसी मांगलिक कार्य के लिए चुना जाएगा या वहाँ जाना होगा, तो इस अवस्था में दिन तो शुभ होगा आज के दिन। लेकिन अगर कोई आपका रुका अटका कोई खास काम है उस पर भी अगर थोड़ा सा समय लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। बशर्त कितनी है कि बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके निकले या सोने की चेन धारण करके निकले तो दिन और शुभ होगा। कन्या राशि के वो लोग जो किसी कंपटीशन, लिखाई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अगर जीतना चाहते हैं उसमें बुद्धि लगा दी तो दिन शुभ है, वरना वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई कमी के योग और किसी परिचित के कारण परेशानी के योग, यानी कि अगर आज आप खाली बैठे तो आपके लिए दिन अशुभ है और अपने काम में मन लगाया उधर गए तो दिन शुभ होगा। आज के दिन थोड़ी सी मूंग साबुत दान करके निकलिए, आपके लिए और उत्तम दिन बनेगा। गुरुदेव, अगर कुंडली में किसी के चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो क्या ऐसी स्थिति में चांदी का लेन देन करना चाहिए? चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति के अंदर हो, ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा के उपाय करके अगर चांदी का लेन देन, व्यापार, कार्य या कुछ भी आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति के अंदर घर के अंदर क्लेश पड़ते हैं, माँ को तुम्हारी बात बुरी लगती है कोई ना कोई और आपको माँ की बात बुरी लगती है, तो जब इन दिनों के अंदर क्लेश ज़्यादा घर में बढ़ने लगे उन दिनों के अंदर अगर थोड़ी कम लेन देन के अंदर रहे तो आप अच्छा रहेगा। और लेकिन आपके अपने हाथ में है अपने कामकाज को भी बनाना, लेन देन करना, बेचना, तो ऐसी अवस्था में माँ अगर बुरा मान भी जाए, आपको कोई 4 बातें सुना भी दे, अगर आप उसकी बात का बुरा माने बिना उसके पांव हाथ लगा करके काम पे फिर निकलते हैं, फिर आप किसी भी प्रकार के चांदी के लेन देन करके देखिए, आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ी कमज़ोरी रह सकती है लेकिन नुकसान नहीं होगा। और वो जो मैंने एक उपाय बता रखा है कि माँ से चांदी की डिब्बी में चावल भरवा के जेब में रखना, ये आपको ज़्यादा अच्छी मजबूती प्रदान करेगा। तो देखिए, चांदी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, ये गुरुदेव आपको बता रहे हैं। गुरुदेव, अगर चंद्रमा को मजबूत करना हो तो क्या किसी खास वस्तु का दान भी करना चाहिए? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए
सबसे उत्तम तो भोलेनाथ की पूजा है, और भोलेनाथ की पूजा के अंदर मिष्टान भोग साथ में लगाना ये सबसे उत्तम है। और चंद्रमा को बहुत मजबूत करने के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय, आप देखते हैं कि आरती जब भी होती है मंदिर की, सुबह की भी शाम की, अगर उसके अंदर आप पतासे या मिश्री ये लगातार ले जाकर के और कई महीनों तक अगर सुबह शाम की आरती के अंदर ये प्रसाद के रूप में पतासे और मिश्री चढ़ाते हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आते हैं परमात्मा का, तो ये चंद्रमा की सबसे उत्तम वाली स्थिति को बनाता है, मन को शांत करता है, धैर्य रखता है, सोच विचार की ताकत देता है, और सोच विचार के साथ कैसे किसी काम को सफलतापूर्वक करके निकलना है ये सारी चीज़ें देकर के प्रॉपर्टी और वाहन के सुख तक बनाने में आपकी मदद करता है। सुबह शाम आरती में जाना आपका अपने पे ही एहसान है, किसी और पर नहीं है। और अब अपने स्पेशल एलिमेंट की बात करते हैं, जानते हैं गुरुदेव से आज का वास्तु उपाय। गुरुदेव ये बताइए कि क्या धारदार चीजें रखने की कोई खास दिशा होती है? धारदार दिशा यानी कि राहु, अब इसमें चाकू छुरी तलवार ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये ऑलवेज दक्षिण की तरफ ही रखनी चाहिए। दक्षिण के साइड वहां पर रखा हुआ राहु यानी कि तीसरे घर का राहु ये ऑलवेज शुभ होता है, नुकसान नहीं देता, मंगल की हद में होता है, मंगल की दिशा है, ऊर्जा मंगल की होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आवेश में आकर के हथियार उठाना चलाना इनसे बचाव रहता है और वहाँ एक्सीडेंट के हालात भी नहीं बनते हैं। तो वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा हथियारों को रखने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है अगर हो तो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले गुरुदेव आपने बताया था कि अगर चंद्रमा को मजबूत करना हो तो भगवान शिव को आप प्रसन्न करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, लेकिन भगवान शिव की पूजा किस हद तक लाभदायक होती है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए? भगवान शिव वो हैं जो पूरा परिवार चलाते हैं, भगवान शिव अपनी पत्नी पर भी स्नेह लुटाते हैं और अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं, और आप देखिए भगवान शिव के यहाँ एक कितनी बड़ी विडंबना है, और वो विडंबना क्या है, वहीं पर माँ दुर्गा का शेर और वहीं पर बैल, इन दोनों की दोस्ती कभी नहीं होती लेकिन परिवार के अंदर ये रखे जाते हैं, वहीं पर सांप और वहीं पर कार्तिक जी का मोर, तो इनकी भी दोस्ती नहीं होती लेकिन दोनों साथ रहते हैं, और वहीं पर मूषक राज भी होते हैं। तो आप देख के देखिए कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर सारी अच्छी और बुराइयों को इकट्ठा रखना है, परिवार को सही चलाना है, सबकी सह करके चलना है और दुश्मनों को भी एक करके चलना है, परिवार के अंदर ही आपस में जो विवाद होते हैं, इसके लिए चंद्र की उपासना यानी कि भोलेनाथ की उपासना। आप भोलेनाथ का स्वरूप देखिए क्या है, उन्होंने मस्तक पर अपने चंद्रमा धारण किया हुआ है, वहाँ से गंगा बह रही है, कंठ पर विष रखा हुआ है, गले में सांप लपेटे हुए हैं, और अगर पहनावे की बात करें तो एक जानवर की खाल पहनी हुई है, तो आराम से बैठे हुए। रियलिटी में ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके समय पार होने देंगे, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो परिवार बहुत अच्छा चलेगा। और हमें भोलेनाथ के स्वरूप में नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर हम रोज़ जल चढ़ाते हैं, फूल फल अर्पित करते हैं, कुछ ना कुछ चावल मीठा मिश्री ये अर्पित करते रहते हैं, पतासे अर्पित करते रहते हैं, भोलेनाथ की ये पूजा आपको अनंत ज्ञान धैर्य परिवार को चलाने की युक्ति सुखों को कमाने की युक्ति ये सब कुछ देते चले जाते हैं, और आपको धीरे धीरे करके जवानी से उस अवस्था की तरफ, प्रौढ़ अवस्था की तरफ लेकर के जाता है, बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है, ताकि वही परिवार जो आपने पूरी ज़िंदगी जोड़ के रखा अब वो आपके लिए सुख कमा करके लाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद में आपके बच्चे आपको सुख दें, तो भोलेनाथ की पूजा यानी कि चंद्रमा को मजबूत बना करके रखना आपके लिए अति उत्तम गुणकारी रहेगा। और अब आइए आगे बढ़ते और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती हुई नज़र आएंगी, राह चलते किसी से लड़ाई हो सकती है, घर पे रहे तो घर वालों से लड़ाई हो सकती है, पड़ोसी से हो सकती है, और जो सबसे बड़ा खतरा है कि कोई चोट ना लग जाए।
तो इसीलिए आज सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ लेकर के गरीबों में वितरित करें, अगर कोई नहीं मिलता तो गाय को खिलाएं, और अपने मन को समझा के रखें कि आज आपको गुस्सा नहीं करना है। मात्र इतना अपने आप को अगर समझा लिया और दिन आराम से गुजार लिया तो आगे जीवन उत्तम होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में धन हानि का दिन है, और परिवार में किसी का स्वास्थ्य या आपका स्वयं का स्वास्थ्य वो भी प्रभावित हो सकता है, और काम बनते बनते में अड़चने आपके स्वभाव को और बिगाड़ेंगे। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ी सी चने की दाल लेकर के मंदिर चढ़ा करके पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के निकले ताकि आपका दिन शुभ हो सके। धनु राशि वालों के लिए आज ये दिन बहुत शुभ चल रहे हैं, और अगर पिता का साथ, पिता के साथ मंदिर जाना, पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलना आपके दिन को और शुभता प्रदान करेगा। जो भी काम आज आप करना चाहते हैं, जिस तरफ भी अपने पुरुषार्थ को लगाना चाहते हैं, जिस तरफ भी मेहनत करना चाहते हैं, सारी मेहनत आपका साथ देगी और कामयाबी भी होगी और धन भी चल कर आएगा। गुरुदेव, जब भी हमने देखा है कि छोटे बच्चे जब उनका अन्न प्राशन किया जाता है तो चांदी के बर्तन में उन्हें खिलाया जाता है, सबसे पहला जो भोजन है उसी चांदी के बर्तन से चखाया जाता है। चांदी के बर्तन में बच्चों को खिलाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बेटा, अब तुमने पूछ ही लिया है तो इसका खुलासा करते हैं। चांदी के बर्तन बच्चे की शिशुवस्था से लेकर के और इंसान की वृद्ध अवस्था तक करना बहुत बहुत गुणकारी है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है, और पानी के अंदर हमारे अंदर जो है वो खारा पानी है, वो उतना ही खारा है जितना कि समुंदर के अंदर पानी खारा है, इतना ही हमारे शरीर के अंदर खारापन मिलता है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। हमारे आंसू वो भी वही हैं, तो रियलिटी में इसका खारापन जब बढ़ता है तो बीमारियाँ लगती हैं, और इसके खारेपन को बैलेंस करने के लिए अगर कोई प्योर धातु है जिसके साथ में जेम्स अंदर नहीं जाते, उल्टा चांदी का भी छोटा छोटा कण अगर हम अंदर लेकर के जाते हैं तो पानी जनित जितनी भी बीमारियां हैं वो इंसान को कभी नहीं लगती, और पानी जनित अगर कोई बीमारियां ना लगे तो इंसान के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, वरना मसल्स के ऊपर अटैक आता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर चांदी के बर्तनों को खाना खाना अमृतमयी माना जाता है, अमृतमयी। तो इसीलिए ये नहीं कि शिशु को अन्नप्राशन के वक्त में चांदी में दिया जाता, वो इसीलिए दिया जाता है कि पहला अनाज अंदर जा रहा हो उसके साथ में कोई कीटाणु जीवाणु ना जाए, और अगर चांदी के कुछ कण भी चले जाते हैं तो वो पानी को और प्योरीफाई करके बीमारियों से बचाने का काम करता है। और जिनके लगन में चंद्रमा होता है, बच्चा कोई भी हो, आदमी हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उन लोगों को तो सारी उम्र चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, चांदी की थाली में रख करके खाना खाना चाहिए, तब उनका जीवन अच्छा रहता है, वरना उनके मसल्स जल्दी टूट जाते हैं और बुढ़ापे में ढीलापन शरीर का उनको ज़्यादा सताने लगता है। तो इसीलिए बच्चे को चांदी के बर्तन में ही अन्नप्राशन कराना चाहिए। तो देखिए, आज इस सवाल का जवाब भी आप सबको मिल गया कि क्यों बच्चों को चांदी के बर्तन में ही सबसे पहला जो भोजन है वो कराया जाता है, यानी अन्नप्राशन जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तीनों राशियों का हाल। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज के दिन किसी के साथ में भी वाद विवाद, धन की हानि, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार, ये अगर परेशान ना करें तो उत्तम होगा। कहने का मतलब, अगर अपने मन को समझा करके किसी व्यक्ति का सहयोग और साथ लेकर के आज अपने दिन को संपूर्ण करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। कुछ रोटियां बना करके किसी गरीब को दान दे करके तब दिन की शुरुआत करें, ज़्यादा उत्तम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। हर किसी के साथ में मिलकर के कोई भी कार्य करना, परिवार के लिए जिम्मेवारियों को पूरा करना, किसी भी अपने काम को आज के दिन संपूर्ण करना आपकी खासियत होगी। आप अगर जाएंगे तो जीत के ही आएंगे, इसलिए माता का आशीर्वाद लेकर के निकलें और अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज थोड़ा आलस का दिन है, मन के अंदर नीरसपन का दिन है, अच्छे दिन गुजारे हैं, आज थकावट भी महसूस कर रहे होंगे, किसी काम को करने का शायद मन नहीं लगेगा, इसीलिए सुबह सवेरे बेसन की कोई भी मिठाई या लड्डू वगैरह मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें और अपने अंदर जोश बना करके रखें, दिन शुभ होगा।
गुरुदेव, चांदी हर व्यक्ति को ज्यादातर आप पहनने की सलाह देते हैं या पास रखने की सलाह देते हैं? शादीशुदा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में अमूमन देखा जाता है कि वो पांव में चांदी की बिछिया या फिर पायल पहनती हैं। सोने या फिर अन्य धातु की पायल बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो औरतों के इस मुख्य गहने में चांदी का प्रयोग कितना महत्व रखता है? तुमने महिलाओं की बात करी है, इसका मतलब वंश आगे बढ़ाने की ताकत उन्हीं में है। अगर तुम चंद्रमा की बात कर रही हो तो धरती के ऊपर जब पहले ओस, बाद में बर्फ, उसके बाद में जब वो पानी बना, पानी के साथ में काई बनी, उस काई के अंदर जब जीवन उत्पन्न होने लगा, यानी कि बुध बना, अंडे बने, शुक्र का मिश्रण आया, वहाँ से जीवन शुरू हुआ। और सबसे पहले आया क्या? मत्स्य अवतार। तो रियलिटी में औरतों के लिए चांदी अमृतमय है, और जितनी उनके तन के ऊपर चांदी रहेगी, औरत को काम करते हुए थकावट नहीं होती। कारण ये पायल के भारी से भारी पायल पहन के रखना, यानी कि जितनी नॉर्मल होती हैं, ये एक्यूप्रेशर का काम करती है, जिसके चलते हुए जो हमारी एड़ी के ऊपर, जिसे गिट्टा बोलते हैं, उसके ऊपर का जितना हिस्सा होता है, ये मणिबंध पांव की तरफ का होता है, यहाँ पर हमारी सारी नसें लगी हुई हैं, वो नसें जो लगातार खून बनाती रहती हैं, और रेड सेल्स, वाइट सेल्स, ये बनाती रहती हैं। तो इसीलिए जो औरत पायल धारण करके रहती है, उसके वाइट सेल्स, रेड सेल्स हमेशा बने रहते हैं, उसके अंदर धैर्य बना रहता है। दूसरी बात, औरत को पूरा दिन पूरा परिवार भी संभालना होता है। आजकल तो वो काम भी संभालती हैं, बाद में परिवार भी संभालती हैं। कितनी बार उनको ऊपर नीचे होना पड़ता है, कहीं उचकना पड़ता है, कभी डिब्बा निकालना, कभी बच्चे को उठाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मर्द कम करते हैं, औरतें ज़्यादा करती हैं। तो ये कमर इनका हमेशा साथ दे, इनके शरीर के जोड़ इनका साथ दे, और इनके स्वास्थ्य में कभी भी दिक्कत ना आए, दर्द ना बने, इसके लिए औरत को चांदी के बिछुए पहनने बहुत ज़रूरी है। मैं अभी साबित कर देता हूँ। जिनकी भी कमर पाँव के अंदर दर्द होता है, वो जो हाथ की ये मिडिल फिंगर है, इसके बिल्कुल जड़ में जा कर के इस तरह से आप इसको घुमा के देखिए, दबा के, इसके अंदर बहुत दर्द मिलेगा आपको। और उसके बाद ये रिंग फिंगर होती है, इसकी जड़ में जा कर के इसको घुमा के देखिए, बहुत दर्द होगा। समझे? यानी कि कहने का मतलब ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, इन दोनों के जोड़ जो है, ये शनि से संबंध रखते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर औरतें अगर बड़ी उंगली और उसके साथ की उंगली के अंदर बिछुए पहन के रखती हैं, तो ये जो मसाज करने पे ये ठीक हो रहा है, वो मसाज चांदी करती है उनका, क्योंकि बार बार आप देखो वो खुल जाएंगे, फिर टाइट करना पड़ेगा, खुल जाएंगे, फिर टाइट करना पड़ेगा, वहाँ एक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, जिसके कारण औरतों को कभी भी कमर पांव के दर्द नहीं होते। और जो अंगूठे में बिछुआ डालते हैं, अंगूठे में बिछुआ डालने का ये विधान है कि ऐसे में जितनी भी सुस्ती, एलर्जी और चिड़चिड़ापन, ये अंगूठे के अंदर ये एक्यूप्रेशर, यानी कि ये बिछुआ बना करके डालना, ये औरत के स्वभाव को खिला हुआ हसमुख बना देता है। और जो औरत हंसते हंसते परिवार चलाती है, बेटा वो तो वैसे भी देवी की तरह पूजी जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप देवी की तरह हंसते हंसते पूरे परिवार को चलाएं, आपको देवी की तरह पूजा जाए, तो पाँव के अंगूठों में चांदी के बिछुए पहने। और अगर आप चाहती हैं कि पूरे परिवार का काम करके, बाहर का भी काम करके आप सदा तंदुरुस्त रहें, तो ऐसे में पाँव की उंगलियों के अंदर चांदी के बिछुए पहन के पायल ज़रूर धारण करें। और ये वाली जो दवाई, ये वाला जो उपाय आपको सदा सुखी, स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रखेगा। तो देखिए, गुरुदेव ने आज के कार्यक्रम में आपको बताया कि अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चांदी उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है। किन मायनों में कैसे उसको धारण किया जा सकता है, ये भी गुरुदेव ने पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बताया है। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करें 999-999-0522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।